दोस्तों वर्तमान में कलर्स चैनल पर प्रसारित हो रहे तुझ से है लापता शो तो आप देख ही रहे होंगे, जो कि वर्तमान में टीवी शोज के चाहने वालों का चहेता शो बन गया है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है और वो है अभिनेत्री रीम शेख, जो कि वर्तमान में कल्याणी मल्हार के किरदार से करियर में चार चांद लगाकर टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर और फेवरेट एक्ट्रेस बन गई हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि अपने टैलेंट के दम पर लोगों की फेवरेट और चहेती बनी हुई ये एक्ट्रेस अकेले ही टीवी की फेमस एक्ट्रेस नहीं बनी है, बल्कि इन्होंने टीवी की कई गुमनाम एक्ट्रेसेस को फेम दिलाने में और मदद भी की है। अगर ये सुनकर आप भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए हैं तो सोचिएगा मत ज़्यादा, क्योंकि बस बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उन्हीं टीवी की एक्ट्रेसेस से रूबरू करवाने वाले हैं जो रीम शेख की वजह से हुई हैं फेमस। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं उन तमाम एक्ट्रेसेस के बारे में। नंबर एक, मेघा रे। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है अभिनेत्री मेघा रे का, जो कि अपने शो दिल है जिद्दी से दर्शकों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी हैं। लेकिन दोस्तों इन्हें फेमस एक्ट्रेस बनाने के पीछे रीम शेख का बहुत बड़ा हाथ है। बात करें इसके पीछे की वजह की तो आपको बता दें, क्योंकि इनसे पहले ये शो अभिनेत्री रीम शेख को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस शो में काम करने की ज़्यादा फीस की डिमांड कर दी, जो कि शो के मेकर्स इन्हें देने में आनाकानी करने लगे थे, जिसके चलते इन्होंने खुद ही इस शो को ठुकरा दिया, जिसके बाद शो के मेकर्स ने इन्हें इस शो के लिए सेलेक्ट कर लिया। नंबर दो, जन्नत जुबैर रहमानी। टीवी इंडस्ट्री के साथ साथ सोशल मीडिया पर अपना जादू बिखेरने वाली जन्नत जुबैर रहमानी आज दर्शकों की सबसे चहेती अभिनेत्रियों में से एक बन गई हैं, जिन्होंने अपने शो तू आशिकी से ही हर किसी को अपना और भी ज़्यादा दीवाना बना दिया था। लेकिन आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि जन्नत जुबैर कभी भी इस शो को करना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये और रीम शेख एक दूसरे की काफ़ी अच्छी दोस्त हैं, इसलिए रीम शेख ने जन्नत जुबैर को काफ़ी ज़्यादा समझाया और उन्होंने इस शो को करने के लिए इन्हें मना लिया, जो कि आगे चलकर जन्नत जुबैर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ और वो इस शो के जरिए फेमस हो गई। नंबर तीन, ऋचा राठौर। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री ऋचा राठौर का भी शामिल होता है, जो कि वर्तमान में स्टार प्लस पर आ रहे शो आपकी नज़रों ने समझा से दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर रही हैं। अब बात करें कि रीम शेख ने इन्हें कैसे फेम दिलाया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जिस शो से ये दर्शकों के बीच में इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, वही शो इनसे पहले रीम शेख को अप्रोच किया गया था, लेकिन क्योंकि वो पहले से ही अपने दूसरे शो में काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही थी, इसी के चलते उन्होंने इस शो को करने से मना कर दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी और शॉक्ड दोनों होंगे कि इस शो में मेकर्स को ऋचा का नाम भी रीम शेख ने ही सजेस्ट किया था, जिसके चलते आज ऋचा इतने ज़्यादा फेमस हो गई हैं। नंबर चार, प्रियंका चाहर चौधरी। तेजो के किरदार से दर्शकों को एंटरटेन कर रही अभिनेत्री प्रियंका चाहर चौधरी भी उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक है, जिनकी किस्मत चमकाने और फेम दिलाने में अभिनेत्री रीम शेख का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बात करें इसके पीछे की वजह की तो बता दें कि रीम शेख टीवी इंडस्ट्री की चहेती अभिनेत्रियों में से एक है, जिसके चलते इन्हें अपने शो में कास्ट करने की इच्छा तो हर कोई रखता है, लेकिन रीम शेख एक अच्छे एक्ट्रेसेस होने के साथ साथ काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं। तभी तो जब इन्हें कलर्स के शो उदारिया का ऑफर मिला था तो इन्होंने मेकर्स को ये कहकर इस शो के मेकर्स को न्यू कमर्स का चांस देना चाहिए, ऐसा कहकर इन्होंने प्रियंका चाहर चौधरी को ये शो दिलवाया। तो दोस्तों क्या वाकई में आपको ये लगता है कि सच में क्या इन अभिनेत्रियों को फेमस और इन अभिनेत्रियों को फेम दिलाने में रीम शेख का अहम किरदार रहा है, या फिर ये अभिनेत्रियों की मेहनत का ही फल है? आप क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ ऐसे दिलचस्प वीडियोज़ को देखने के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों से अप टू डेट रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।